भारत में जब भी सस्ती मोटरसाइकिल का नाम आता है तो लोगों की जुबान में बरबस एक ही हीरो होंडा का नाम निकलकर सामने आता है। हालांकि तकनीकी रूप से वे गलत नहीं है, क्योंकि एक दशक पहले ही भारतीय कंपनी हीरो और जापानी ब्रांड होंडा अलग हो गए थे। हालांकि इसके बावजूद हीरो का दबदबा कम नहीं हुआ है और कितने ही विदेशी ब्रांड आए और गए, लेकिन ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी रही। लेकिन 2024 में वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ। देश के टू व्हीलर मार्केट में बड़ा उलटफेर हो गया है। कभी हीरो की साझेदार रही होंडा अब उससे भी बड़ी कंपनी हो गई है। जी हां, 2024 की पहली तिमाही के होलसेल डिस्पैच के आंकड़ों के मुताबिक दो पहिया वाहन बाजार की अग्रणी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है। उसकी पुरानी साझेदार और अब प्रतिद्वंदी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी कि HMSI अब पहले नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हीरो का दौर खत्म हो गया है। रिटेल सेल के मामले में हीरो अब भी दो पहिया वाहन बाजार में नंबर वन बनी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जुलाई की अवधि में होंडा का घरेलू होलसेल डिस्पैच 18.53 लाख यूनिट रहा, जबकि इस दौरान हीरो ने 18.31 लाख यूनिट से ज्यादा गाड़ियां डीलरों को डिस्पैच की हैं। ये अंतर करीब 21,653 यूनिट का है। अगर इसमें निर्यात को भी जोड़ दिया जाए तो ये अंतर 1.3 लाख यूनिट से ज्यादा है। हालांकि थोक आंकड़ों पर ना तो हीरो मोटोकॉर्प दुख जता रहा है और ना ही HMSI इसकी खुशी। दोनों ही कंपनियों ने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है। हालांकि ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले ये बदलाव होने के पीछे कुछ वजह हैं। एक बिजनेस अखबार से बातचीत में रिसर्च फर्म जाटो डायनामिक्स के प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर रवि भाटिया ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प लंबे समय से दो पहिया वाहन सेगमेंट में बाजार की अग्रणी कंपनी रही है। त्योहारी सीजन से पहले और रिकवरी के शुरुआती संकेतों के आधार पर HMSI ने नेटवर्क को सप्लाई बढ़ाई है। इसके कारण थोक महंगाई में होंडा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वही इसकी दूसरी वजह शहरी ग्रामीण डायनामिक्स भी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल जुलाई के दौरान स्कूटर सेगमेंट ने मोटरसाइकिलों के बेहतर प्रदर्शन जारी रखे हैं। स्कूटर सेगमेंट की बात करें तो होंडा अपने एक्टिवा रेंज के साथ हीरो से बहुत आगे है। हालांकि ग्रामीण बाजारों में बाइक का दबदबा है। जहां हीरो बिक्री के मायने में हीरो है, शहरी मार्केट की बात करें तो यहां स्कूटरों के साथ साथ मध्यम से प्रीमियम स्तर की मोटरसाइकिलों की डिमांड सबसे ज्यादा है, जहां होंडा अब भी हीरो मोटोकॉर्प के मुकाबले काफी पीछे है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच हीरो मोटोकॉर्प ने 17.5 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री की है, जबकि HMSI ने 15 लाख यूनिट बेची हैं। इस तरह दोनों कंपनियों के बीच रिटेल सेल का अंतर लगभग 2.5 लाख यूनिट है। लेकिन होंडा की बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है और हीरो की घट रही है। HMSI की खुदरा बाजार हिस्सेदारी अप्रैल में 20% से बढ़कर जुलाई में 24.3% हो गई है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी अप्रैल में 33% से घटकर जुलाई में 29.4% हो गई है। यानी कि हीरो जहां ढलान पर है, वहीं होंडा का दबदबा ग्रामीण बाजार में भी बढ़ रहा है। ऐसे में थोक मार्केट जैसी स्थिति रिटेल सेगमेंट में भी दिखाई दे सकती है। यानी हीरो के लिए आगे की राह मुश्किल से बहुत मुश्किल होती दिखाई दे रही है।